उसने धीरे से कहा, जब सुंदरी कह रहे हो तो मेरी ओर देखते क्यों नहीं? लखन भैया ने कहा, जब तक नहीं देख रहा हूं तभी तक सुंदरी हो, और देखूंगा तो सुंदरता खत्म हो जाएगी। और लखन भैया जब देखते हैं तो नाक कान बिनुकीन है, सुंदरता खत्म हो गई कि नहीं? लखन भैया कौन है? का लखन भैया वैराग्य है, और वैराग्य के सामने वासना का बनावटी रूप टिक नहीं सकता महाराज। वासना वैराग्य के सामने विद्रूप हो जाती है। लगन भैया ने कहा, तभी तक सुंदरी हो जब तक देख नहीं रहा हूं, इसलिए जल्दी से हट जाओ, देख दूंगा तो सुंदरता तुम्हारी खत्म हो जाएगी। वैराग्य के सामने वासना की सुंदरता टिक ही नहीं सकती है। अब इधर से भाग कर उधर गई, उधर से भाग के इधर आई, इधर उधर दो चार बार दौड़ी। इसने कहा, विवाह तो राजा साहब से ही हो जाता, लेकिन ये जो इनके साथ श्रीमती जी बैठी है, ये नहीं रहती तब हमसे विवाह करते। तो इसने सोचा कि इन्हीं को खत्म कर दूं तो विवाह हो जाएगा। और महाराज क्रोध में आई, क्रोध में आई तो अपना असली रूप प्रकट हो गया। गुस्से में असली रूप आ ही जाता है सामने। कभी आपको भी गुस्सा आए तो आईना देखना, समझ लेना यही आपका असली रूप है। तो इसका असली रूप सामने आ गया। मेरा मतलब है, क्रोध से हमेशा बचना चाहिए। हाँ, क्रोध से बचे, क्रोध में हमारा रूप विकृत हो जाता है महाराज। और आ गई राक्षसी के रूप में, दौड़ी खाने के लिए। लखन भैया सामने आ गए, राम जी ने इशारा किया, कहा रुको रुको रुको, अरे अभी विवाह होगा ना, अभी विवाह होगा, अरे थोड़ा नाप वोप तो ले लेने दो। मान लो कि दूल्हा का बनेगा मोर और, तो दुल्हन के लिए भी तो कुछ बनना चाहिए, तुम्हारे लिए भी कुछ मुकुट उकुट बनना चाहिए, जरा नाप तो ले लूं। अब बीच में लखन भैया खड़े हो गए, और दोनों तरफ से तलवार निकाला, और तो कुछ मापने के लिए था नहीं, तो कान से नाक तक इधर एक तलवार रखा, एक इधर से इधर रखा, ऐसा यहाँ महर्षि वाल्मीकि लिख रहे हैं, और दोनों तरफ से खड्ग रखा है। वो तो सोच रही कि नाप ले रहे हैं मुकुट का, अब ऐसे मोड़ करके तलवार को माप रहे होंगे, और यहाँ लगा करके इत्युक्तो लक्ष्मणस्तस्याः क्रुद्धो रामस्य पश्यतः उद्धृत्य खड्गम चिच्छेद करण नासे महाबले, और इसके नाक कान दोनों को काट दिया लखन भैया ने। नाक कान बिनुकीन है, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनुकीन, ताके कर रावण कर कह मनोहु चुनौती दीन। गोस्वामी जी ने ऐसा लिखा, नाक कान के बिना कर दिया। नाक कान क्यों काट दिया? कहा देखो, पहले तो एक मुहावरा है नाक कटना, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, लोग कहते हैं समाज में उसकी नाक कट गई, माने प्रतिष्ठा चली गई। जिस स्त्री का आचरण समाज में सुरपणखा की तरह होगा, समाज में उसकी नाक तो कट ही जाएगी महाराज। यह इसका एक अर्थ है।